भुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण <coughs> तो आप सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है पिछली कक्षा में जो है हमने भूमिका के बारे में चर्चा किया और आज की कक्षा में हम गुरु परंपरा एवं पहला जो अध्याय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आप सब देख सकते हैं ये जो गुरु परंपरा के बारे में यहाँ पे जी ने दिया हुआ है तो विशेष रूप से पहला जो अध्याय है भगवदगीता का उपाध्याय शुरू करने से पहले प्रभुपाद जी ने यह परंपरा दिया है अर्थात ये हमने जैसे चर्चा किया था प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ की स्थापना के पश्चात कुछ सालों के बाद आ, उनकी जो गीता के ऊपर टीका है उसके साथ ये गीता जो है इसका आ, इसको पब्लिश किया था उसको संकलन करके तो विशेष रूप से इसमें जो है हम ये देख सकते हैं रूपा जी ने रूपा जी के पहले जो इकतीस आचार्य और जो नंबर है वो जी का स्वयं तो इस प्रकार से बत्तीस आचार्यों की सूची दी हुई है यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया है स्पष्टता से जो गीता के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है उसके आधार पे एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदोहो तो निश्चित रूप से ये जो भगवद गीता या भगवान का दिव्य संदेश है ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है तो कैसे वो प्राप्त होता है तो पहले जो है परंपरा में निश्चित रूप से आ सारे परंपराओं के स्रोत स्वयं भगवान कृष्ण हैं और जब हम परंपरा का चर्चा करते तो विशेष रूप से पद्म पुराण में जो है चार संप्रदायों की इनको प्रमाणित संप्रदाय कहा गया है तो ये चार संप्रदाय कौन कौन से हैं ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय तो जब हम ऐसे प्रमाणित संप्रदायों का चर्चा करते हैं तो हरेक व्यक्ति जो प्रमाणित ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको ये प्रमाणित संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहिए प्रमाणित संप्रदाय से मंत्र स्वीकार करना चाहिए तो जो श्री संप्रदाय है ये रामानुजाचार्य जो है उनसे आता है या परंपरा में ये वहाँ के आचार्य सब कुछ तो अपने जैसे ये परंपरा में देखो भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं, फिर एक है, तो श्री संप्रदाय में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी को प्रदान करते हैं उसी परंपरा में आगे अलग अलग आचार्यों में ये जो रामानुजाचार्य ये महत्वपूर्ण आचार्य जो हम उसके बारे में शास्त्रोक्त श्लोक के आधार पर भी चर्चा करेंगे और ये जो रामानुजाचार्य है इन्होंने अपना जो तत्व ज्ञान है विशिष्ट अद्वैतवाद उसका प्रचार प्रसार किया जो ब्रह्म संप्रदाय है ये भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और फिर आगे जाके इसमें ये जो है इनका आविर्भाव हुआ तो इसलिए ये ब्रह्म मधु संप्रदाय और इसी संप्रदाय में आगे चेतन महाप्रभु आते हैं जो गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म मधु गौड़ीय संप्रदाय तीसरा जो है रुद्र संप्रदाय जिसमें हम देखते हैं कि रुद्र अर्थात शिवजी का एक नाम है और जब भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञान शिवजी को प्रदान करते हैं तो उसी परंपरा में आगे जो है विष्णु स्वामी जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और ये संप्रदाय आगे बढ़ता है तो इस संप्रदाय में जो है विष्णु स्वामी इस शुद्ध द्वैत जो है उसका प्रचार प्रसार किया है और आप अगर देखेंगे गुजरात में अः रुद्र संप्रदाय प्रचलित है तो जो वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग वो उसी रुद्र संप्रदाय की एक शाखा है और चौथा जो है जिसको हंस संप्रदाय कहा जाता है या उसको कुमार संप्रदाय कहा जाता है जो चतुष्कुमारे सनत सनक सनक सनातन और सनंदन ये चतुष्कुमारों के द्वारा ये द्वैत अद्वैत वाद जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया तो इस प्रकार से ये चार महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं हम जब श्री संप्रदाय का चर्चा करते तो रामानुजाचार्य जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है श्री संप्रदाय में बल्कि देखा जाए तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था किस प्रकार से प्रभुपाद जी की जो भगवदगीता है उसको किसी ने बोला था कि आपकी गीता रामानुजाचार्य जैसे ही टिका है तो प्रूपा जी कहे हाँ ये प्रमाणित संप्रदाय है, और उसको स्वीकृति दी तो रामानुजाचार्य जो है वो भगवान के बड़े महान भक्त है और निश्चित रूप से उन्होंने जो है जीव और जगत जो है किस प्रकार से ईश्वर के अधीन है ये इसके बारे में बड़े अच्छे से सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने जो तत्व ज्ञान प्रस्तुत किया उसके अनुसार एक जीवात्मा जो है वो एक तो बद्ध अवस्था में हो सकता है या मुक्त अवस्था में और ये भौतिक जगत है ये सत्य है और शाश्वत है बल्कि इसका जो प्रकटीकरण है वो अस्थाई हो सकता है तो जैसे हम क्षण कहते हैं उस तो इसमें ये जो तत्व ज्ञान है ये निश्चित रूप से किस प्रकार से एक जीवात्मा अज्ञान के द्वारा आवृत हो जाता है और उस कारण से ये भौतिक संसार में रहता है लेकिन जो मुक्त जीव है वो वैकुंठ में वास करते हैं उसके बारे में चर्चा है और विशेष रूप से हम देखते ये जो, ये जो संप्रदाय इसमें प्रपत्ति अर्थात पूर्ण शरणागति का चर्चा आता है भक्तिमय जीवन में भगवान के प्रति उस प्रकार से यहाँ पे जो है भगवान के पांच रूपों का चर्चा किया जाता है जो रामानुजाचार्य ये तत्वज्ञान बताते हैं जिसमें परा, व्यूह, विभव अर्चा और अंतर्यामी तो परा अर्थात भगवान का जो दिव्य रूप है उसको परा कहा जाता है अर्थात जो उनके प्रकटी, दिव्य प्रकटी है जो उनके मूल स्वरूप से आते हैं और विभो अर्थात उनके अवतार और अर्चा अर्थात जैसे हम अर्चा विग्रह कहते हैं तो भगवान के जो है, उनकी आराधना या वो एक रूप है और जो है अंतर्यामी अर्थात भगवान जो में परमात्मा रूप में स्थित तो इस प्रकार से रामानुचार्य जो है इन्होंने बहुत आ, अच्छे ढंग से ये तत्व ज्ञान प्रस्तुत किया है जिसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं उसमें वेदांत संग्रह अर्थात जो वेदों के ऊपर है श्री भाष्य लिखा है जो वेदांत के ऊपर है गीता भाष्य लिखा है वेदांत सार है अर्थात सार अर्थात जो संक्षिप्त रूप में वेदांत के ऊपर लिखा है वेदांत दीप अर्थात जो वेदांत के अलग अलग विषयों को वर्णन किया गया है उसमें शरणागति गाढ़ श्रीरंग श्री वैकुंठ गाढ़ अर्थात ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है एक तो भगवान के गुणगान में श्री रंगम रंगदेव जो है उनके लिए श्री रंगनाथ के लिए या वैकुंठ अर्थात जो वैकुंठ लोक के लिए उनकी जो स्तुति है प्रार्थना है वो दिया गया है नित्य ग्रंथ अर्थात किस प्रकार से नियमित पूजा आराधना होनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखे तो ये बड़ा सुंदर उनका ये लिखान है तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है ये बड़े प्रसिद्ध है और इसकॉन में भी आप देखेंगे कि बहुत बार अलवारों का वगैरह चर्चा होता है तो ये श्री संप्रदाय में अलवार बड़े प्रसिद्ध है बारह अलवार जैसे हम महाजनों का चर्चा करते तो ऐसे अलवारों का बड़ा प्रसिद्ध उनके सुंदर लीला है और ये देखा जाता है कि रामानुजाचार्य की एक बड़ी विशेष लीला जो एक बार जगन्नाथपुरी गए थे और वहाँ पे वो जो नियमित पूजा आराधना होती है भगवान को भोग लगता है तो उन्होंने कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया था लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि जब वो शयन करते हैं उस समय भगवान उनको जो है वहां से दूसरे जगह भेज देते हैं अर्थात भगवान नहीं चाहते कि वहां पे कुछ बदलाव लाए और उन्होंने उसी प्रकार से जो अनंत पद्मनाभ मंदिर है वहां प्रयास किया था लेकिन वहां पे भी वो नहीं कर पाए लेकिन निश्चित रूप से तिरुपति में जो है उन्होंने ये पंचरात्र आगम जो है उसके अनुसार जो अर्चा विग्रोह की आराधना वगैरह उसकी स्थापना की तो इस प्रकार से ये श्री संप्रदाय में हम रामानुजाचार्य के बारे में देखते हैं मधवाचार्य जो है ये आ, ब्रह्म संप्रदाय में आचार्य प्रमुख रूप से देखते हम अभी जब हम ये आचार्यों का चर्चा करें तो निश्चित रूप से ये स्पष्टता हमें होना चाहिए कि हरेक संप्रदाय के जो आचार्य है इनका शास्त्रोक्त वर्णन दिया गया है और उसी आधार पे हम भी जो है ये सारा चर्चा कर रहे हैं तो सुंदर वर्ण आता है जिसमें कहा गया संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला मत अकल भविष्य चार तो संप्रदाय विहीन तो जहाँ पे बिना इस प्रमाणित संप्रदाय का कोई मंत्र स्वीकार करता है तो निष्फला मत तो वो जो है एक प्रकार से अः निष्फली समझा गया है इसलिए ये चार संप्रदाय में चार आचार्य प्रकट होंगे और इसलिए आगे कहते हो श्री ब्रह्म वैष्णव भव्यय उत्कले पुरुषोत्तम तो कहा गया इस प्रकार से कि ये जो आचार्य है ये श्री अर्थात लक्ष्मी जी के संप्रदाय ब्रह्मा जी के संप्रदाय में रुद्र संप्रदाय शिव जी के संप्रदाय में और साथ साथ ये आ, कुमारों के संप्रदाय में ये आचार्य प्रकट होंगे तो वो कौन रहेंगे तो उसका वर्णन जो है आ, बड़ा दिया तो रत्नावली में जो है वर्णन आता है जिसमें कहा गया है रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्य चुर्मुख श्री विष्णु स्वामी नम रुद्रो निदित्यम चतुर्सना तो चतुर्सना यहाँ पे चतुर्म आ, चार जो पुत्र है ब्रह्मा जी के चतुष्कुमार उनके लिए कहा गया है और रामानुजम श्री ही अर्थात रामानुज जो है ये श्री संप्रदाय में प्रकट होंगे और लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करेंगे मध्वाचार्य चतुर्मुखा चतुर्मुखा अर्थात जो ब्रह्मा जी उनको चतुर्मुख कहा गया है और मध्वाचार्य जो है ये ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करेंगे श्री विष्णु स्वामीनम जो श्री संप्रदाय है लक्ष्मी जी का संप्रदाय उसका प्रतिनिधित्व तो विष्णु स्वामी ये जो आचार्य ये करेंगे और रुद्रो निम्बादित्यम तो रुद्र संपा, संप्रदाय जो है उसमें सॉरी श्री विष्णु स्वामी स्वामीनम रुद्रो तो आ, रुद्र संप्रदाय जो है उसमें श्री विष्णु स्वामी ये करेंगे आ, हमने तो श्री का पहले ही चर्चा किया कि रामानुजाचार्य अनुजाचार्य है तो श्री विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे और रुद्रो निम्बादित्यम चतुषण तो रुद्र संप्रदाय या शिव जी का ये जो संप्रदाय उसमें निम्बादित्यम तो निम्बार काचार्य जो है वो चतुष्कुमारों का प्रतिनिधित्व करेंगे इस प्रकार से ये शास्त्रों के आधार पर इसलिए हम जो है जैसे हमने रामानुजाचार्य का चर्चा किया उसी प्रकार से मध्वाचार्य जो है ये आ, ब्रह्मा जी का या चतुर्मुख ब्रह्मा जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं इनके बारे में भी हम देखते हैं कि इन्होंने जो है आ, विशिष्ट द्वैत जो है इसका प्रचार प्रसार किया अगर हम उपे में जाएंगे वहां पे ऐसे उनके मुद्रा अर्थात दो उंगली ऐसे दिखते अर्थात दोनों ईश्वर और जीव ये दोनों अलग अलग है इस प्रकार से तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ईश्वर और जीव जो है इनमें क्या भेद है वो प्रस्तावित किया तो ईश्वर जीव और जगत और किस प्रकार से ईश्वर जो है हमेशा स्वतंत्र है लेकिन जीव और प्रकृति जो है ये भगवान के ऊपर निर्भर है अर्थात हम अभी जो पांच तत्वों का चर्चा करने वाले गीता में ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म तो उसमें ईश्वर जो है वो आ, स्वतंत्र है बाकी अन्य सारी जो चीजें हैं ईश्वर के अधीन है तो उन्होंने बड़ा सुंदर ढंग से दिया हुआ है साथ साथ हम देखते हैं उन्होंने जो है अः एक अः विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया है अपने सुंदर किताबों के द्वारा जैसे महाभारत के ऊपर निर्णय लिखा हुआ है। साथ, -साथ हैं और उसमें प्रस्तां त्रय जो हमने श्री शुभ निषद का चर्चा करते समय देखा था श्रुति स्मृति और न्याय के बारे में तो उनकी जो है उसपे भगवत गीता के ऊपर दो टिकाए लिखी हुई उपनिषद के ऊपर दस टिकाए हैं वेदांत के ऊपर चार है और एक टिका उन्होंने ऋग्वेद के ऊपर लिखी हुई है साथ साथ उन्होंने दास प्रकरण बोल के जो है वो दस छोटी किताबें जो है आ, आ लिखी हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण विष्णु तत्व निर्णय जो है जिसमें आत्मा के अलग अलग गुणधर्मों धर्मों का वर्णन है और विशेष रूप से उसमें भगवान विष्णु के प्रभुत्व या जो परम प्रभु सब स्वामी सबके स्वामी तो तो उन्होंने साथ साथ स्मृति प्रस्थान जो है वो उसपे भागवत पुराण और महाभारत जो उसकी टीकाएं प्रस्तुत किए और उन्होंने कई सारी कविताएं प्रबंध ऐसे जो है वो प्रस्तुत किए हैं जिसमें वो अलग -अलग और सन्यास के बारे में बहुत गहराई में प्रस्तुत किया है साथ साथ हम देखते हैं कि जो निम्बारक आचार्य है जो हम अभी चर्चा की है चार अलग अलग संप्रदायों का और निम्बारक आचार्य जो है ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य तो नहीं नहीं निम्बार्क आचार्य जो है ये कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं और ये निम्बार्क आचार्य जो है इन्होंने अपने जीवन में बहुत विशेष कार्यकलाप किए और विशेष रूप से हम अगर ये चेतन चैत्यामृत से देखेंगे तो उसमें बहुत सुंदर लीला भी प्रस्तुत की गई है किस प्रकार से वो बहुत बड़े पंडित थे वगैरह और बाद में उनको चेतन महाप्रभु का कृपा मिला ऐसा कहा जाता है अः उनके संप्रदाय में कि ये नारद मुनि के एक शिष्य के रूप में है और उन्होंने बहुत सारा अपना समय नैमिषारण्य में बिताया है इनके जो है मथुरा में रुंदा में कई सारे अपने केंद्र है और ये निर्मर्क आचार्य जो है उनका जन्म गोवर्धन के पास ही आ, एक तेलुगु परिवार के परिवार में हुआ था तो विशेष रूप से इन्होंने जो है किस प्रकार से सविशेष अर्थात जो रूप के साथ है और निर्विशेष अर्थात जहां रूप विहीन है ऐसे जो भगवान का भेद है उसको प्रस्तुत किया और उसको उन्होंने कहा गया था स्वाभाविक भेद अभेद तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सारा गहराई में प्रस्तुतिकरण किया और बताया कैसे दो प्रकार के जीव जो है बद्ध अर्थात जो भौतिक दृष्टिकोण से बद्ध है और दूसरे जो है मुक्त जीव तो हर एक जो बद्ध जीव है वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है साधना के विधि के द्वारा और वो विधि जो है उन्होंने भक्ति मार्ग का विधि बतलाया है और उसमें दोनों जो है कर्म अर्थात एक विशेष रूप से जो हम कार्य कर रहे जिसके कारण हम एक कर्म बंधन में फंसते तो वो कर्म के बारे में स्पष्टता दिया है और साथ साथ किस प्रकार से ज्ञान जो है उसका भी उन्होंने स्पष्टता दिया है पहली अवस्था वो बताते हैं कर्म के बारे में और दूसरा ज्ञान के बारे में तीसरा ध्यान और चौथा प्रपत्ति अर्थात शरणागति के बारे में बताते हैं और पांचवा जो है वो गुरु प्रपत्ति कहा गया है अर्थात गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण पूर्ण निष्ठा और उनके प्रति शरणागत होना उनके जो किताबें उसमें वेदांत पारिजात सौरभ जो है जो वेद और उपनिषदों के ऊपर उनकी टीका है वो बड़ा प्रसिद्ध है सदाचार प्रकाश बोल के उन्होंने क्रम कांड उसके ऊपर अपनी बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है गीता भाष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है गीता के ऊपर टीका साथ साथ रहस्य षोड़शी बोल के जो है श्री गोपाल मंत्र को उन्होंने स्पष्टीकरण दिया हुआ है कृष्ण स्तवरज बोल के जो है उन्होंने भगवान कृष्ण की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। और प्रपन्न कल्पवल्ली अर्थात मुकुंद मंत्र जो है उसका भी स्पष्टीकरण दिया है बाकी अन्य जो है प्रात स्मरण स्त्रोत्र वगैरह उनका और भी लिखा है अभी जैसे हमने ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य निम्बारक आचार्य उनका देखा उसी प्रकार से ये श्री विष्णु स्वामी जो विशेष रूप से रुद्र निबारक आचार्य चतुष कुमारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य जो है आ, श्री विष्णु स्वामी तो उनका बड़ा विशेष योगदान रहा है श्री विष्णु स्वामी जो है इन्होंने सामान्यतः उनको जो है एक प्रकार से अवतार बोल के भी पूजा करते हैं आ, क्यों क्योंकि वो लोग मानते हैं कि ये जो है आ, निश्चित रूप से एक परिपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और इनका जो तत्वज्ञान है अवतार अर्थात उनको प्रतिनिधि के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है उनके संप्रदाय में उनका शुद्ध अद्वैत अद्वैत जो है ये तत्व ज्ञान बड़ा प्रसिद्ध है और उन्होंने जो है आ, किस प्रकार से सब कुछ भगवान के संबंध में भगवान ने जो बनाया हुआ है आ, भगवान और उनके संबंध में जो जगत है वो किस प्रकार से शुद्ध है उसके बारे में और उसका पूजा विधि क्या है वो सिखलाया इनके जो पूजा विधि होता है उसमें ये भगवान रामचंद्र को बहुत अच्छे से मानते हैं और उनका पूजा किया जाता है और विष्णु स्वामी जो है इन ये खुद जगन्नाथपुरी भेंट दिए थे और उन्होंने जो है जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है उसकी स्थापना की है और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है कि वहां पे जो है रामानंद राय जो है उन्होंने अपना आध्यात्मिक पाठशाला शुरू किया था जो इनके प्रसिद्ध अनुयायी लोग है उसमें श्रीधर स्वामी जो है जो भागवत पुराण के ऊपर बड़े प्रसिद्ध टीकाकार हैं जो बहुत प्रख्यात है अर्थात चेतन महाप्रभु भी उनको अः आ, एक आ, आचार्य के रूप में स्वीकृत करते हैं और उनकी जो भागवतम के ऊपर टीका है उसको बहुत प्रमाणित टीका के रूप में स्वीकार किया जाता है तो हमने देखा जैसे ये जो श्री विष्णु स्वामी है ये रुद्र संप्रदाय में आ रहे हैं और इसी संप्रदाय में वल्लभाचार्य जो है वो भी आते हैं और वल्लभाचार्य का जो है वो विशेष रूप से भगवान कृष्ण को एक बाल गोपाल के रूप में पूजा आराधना ये गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध है तो इस प्रकार से ये जो चार संप्रदाय है इसमें ये प्रमुख चार आचार्य है प्रभुप जी उनके एक प्रवचन में वो बताते हैं ये उन्होंने हैदराबाद में प्रवचन दिया था 30 नवंबर उन्नीस में जिसमें वो कहते हैं कि हमें जो है परंपरागत ज्ञान संप्रदाय आचार्य के द्वारा स्वीकार करना चाहिए और ये गीता में बताया गया है एवं परंपरा प्राप्त राजस्व विद हो तो जब प्रभुपा जी ये समझा रहे तो प्रभुपा जी निश्चित रूप से हमें स्पष्टता देते जो भी ज्ञान हमें स्वीकार करना है वो संप्रदाय आचार्य के द्वारा ज्ञान स्वीकार किया जाना चाहिए और संप्रदाय आचार्य की स्थिति को भी व्यक्ति को अच्छे से समझना चाहिए रूपा जी जब एक पत्र लिखे थे दयानंद जी को जो उनके शिष्य है दयानंद तो ये पत्र में वो बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कभी कभी जैसा भी ये परंपरा में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान के बाद ब्रह्मा जी है फिर मुनि फिर व्यास और फिर उसके बाद मध्वाचार्य आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे व्यासदेव जो है वो महाभारत के समय में अर्थात पाँच साल से भी पहले थे और मध्वाचार्य जो है वो अभी आ, उनके बीच में बड़ा अंतराल दिखता है कई हजारों सालों का आ, अंतर है तो कैसे इसको समझना चाहिए तो प्रूपा जी समझाते ये बड़ा अंतराल जो है उसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है क्योंकि वो कहते हैं हम जब संप्रदाय के संबंध में है तो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है ब्रह्मा जी से नारद मुनि को मुनि से व्यास देव को लेकिन जो व्यास देव से मधुआचार्य के बीच में अंतराल दिखता है तो व्यास देव जो है अभी भी ये हिमालयों में जीवित है और वहां पे वो तपस्या कर रहे ये स्पष्टता होना चाहिए तो अभी वो है वहां पे और मधवाचार्य जब अवतरित हुए थे वो वैयक्तिक रूप से जाके वहा उनको मिले तो हर एक व्यक्ति जो जाएगा वो मिल पाएगा ऐसे नहीं तो रूपा जी कहते थे क्योंकि वो महान आचार्य है और वो बड़े भाग्यशाली थे जो व्यासदेव से मिल पाए तो व्यासदेव से वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान जो है वो मधुआचार्य को प्राप्त हुआ तो इसलिए ये भगवत गीता में जो हम शिक्षा देखते हैं भगवान कृष्ण भी जब बोलते हैं योगम तो भगवान जब ये बता रहे किस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा है तो भगवान कृष्ण समझा रहे कि उन्होंने ये जो ज्ञान दिया था तो उसमें वो केवल तीन लोगों का नाम ले रहे इमम योग प्रोक्तवान अहम अवयम तो उसमें पहला विवस्वान का नाम ले रहे उसके बाद मनु महाराज का नाम ले रहे हैं और विश्व फिर उनके बाद इक्ष्वाकु का नाम ले रहे हैं तो देखा जाए तो परंपरा में सारा ऐसे जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ बत्तीस नाम दिए हैं तो हो सकता है कि ऐसे आपको बहुत सारे नाम न दिखे लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंतराल होने से परंपरा का ज्ञान या परंपरा में कुछ बाधा आ गया तो जी ये समझा रहे हैं हमें कि वो अंतराल से कुछ समस्या नहीं है तो हमें जो प्रमुख आचार्य है संप्रदाय आचार्य उनको चुनना होगा और उनका अनुसरण करना होगा और ये परंपरा प्रणाली जब बोला जाता है तो इसमें बहुत सारी शाखाएं भी होती है। और इन सारे शाखाओं को उप शाखाओं को दर्ज करना ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षिक व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है तो इसलिए प्रोपा जी हमें यह स्पष्टता दे रहे हैं कि निश्चित रूप से हमें आचार्यों का ये संप्रदाय के बारे में सब स्पष्टता होना चाहिए लेकिन साथ साथ ये भी स्वीकृति होना चाहिए जहाँ पे हमें कुछ अंतराल दिखता है वहाँ पे हमें मोहित या विचलित नहीं होना चाहिए अरे ये ऐसा कैसे है नहीं हमें ये स्पष्टता रहना चाहिए कि अंतराल हो सकता है और भगवान की कृपा से या जो ऐसे दिव्य पुरुष है जैसे व्यासदेव वगैरह तो उनके कृपा से जो आचार्य उनको ये सारा ज्ञान प्रस्तुत हो सकता है ये देखा जाता है कि अभी यहाँ परंपरा में आपको दिखेगा किस प्रकार से मधवाचार्य के बाद पद्मनाभ नरहरि माधव आचार्य अक्षोभ्य आचार्य जयती ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि राजेंद्र जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्म तीर्थ तो व्यास तीर्थ तो लक्ष्मीपति और उसके बाद यहाँ पे महाधवेंद्रपुरी है तो ये बहुत सारे जो यहाँ पे आचार्य दिख रहे हैं, एक के बहुत सारे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं तो भविष्य में आ, अगर गीता के दौरान कुछ संभव होता है तो कुछ हम आचार्यों का देखेंगे लेकिन विशेष रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से इनके लीलाओं को सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए जो कि आपको ये परंपरा में गाढ़ श्रद्धा प्राप्त हो और जब हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत दिया गया है तो कैसे यहाँ पे जो अद्वैताचार्य ये अद्वैताचार्य जो है वो प्रार्थना करते हैं अद्वैताचार्य प्रार्थना करते भगवान को जो कि आ, बहुत सारे नास्तिकवादी लोग या जो भगवान में भरोसा नहीं करते तो आप ही अवतरित होके इनके जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते या इनको मदद कर सकते तो हमने वो सुना हुआ है किस प्रकार से आचार्य जो है वो तुलसी दल लेके का उपासना करते हुए भगवान को पुकार रहते। तो भगवान उनका पुकार सुन के फिर अवतरित होते तो उसी प्रकार से जो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने अभी चेतन महाप्र आए ष गोस्वामी ने सारा बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किए बहुत सारे जो अलग अलग भगवान की लीला चली है। उनको ढूंढ के निकाला बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया और ऐसे हम देखते बहुत अच्छा वातावरण हो गया लेकिन आगे फिर सहजिया औल और ऐसे बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय जो प्रमाणित संप्रदाय नहीं थे वो आ गए और उस समय विनोद ठाकुर को लगा कि ऐसे जो छद्म वैष्णव है ये इनका जो है आ, लोगों को स्पष्टता आने के लिए कैसे सही था क्या और छद्म वैष्णव कौन है इसके लिए आप मुझे कोई पार्षद भेजिए आपका इस प्रकार से वो चेतन महाप्रभु को पुकारते हैं तो उस समय चेतन महाप्रभु उनका पुकार सुन के जैसे हम कहते हैं गौर करुणा शक्ति ग्राह नमोस्तुते तो निश्चित रूप से चेतन महाप्रु के कृपा के जो विग्रह है तो वो प्रकट हो जाते हैं तो भक्ति विनोदनाथ दत्त तो उनके पुत्र के के रूप में चेतन के जो पार्षद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो प्रकट होते हैं और हम देखते कैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब वो प्रकट होते हैं तो वहां पे जो चेतन गौड़िया मठ है तो आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां से ठाकुर का जन्म स्थल है और वहां पे जैसे रथ यात्रा का समय था तो रथ आके अपने आप रुक गया और फिर अः भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो पत्नी हैं वो आते हैं और ये भक्ति सिद्धांश ठाकुर जब वो छोटे बालक थे उनको जगन्नाथ जी के सामने लेके जाते वहां पे हम देखते कैसे जगन्नाथ जी का हार जो उनके गले में पड़ जाता है और फिर बाकी अन्य उनका बड़ा सुंदर लीला है तो ये स्पष्टता आ जाती है कि ये बड़े महान आचार्य हैं जो एक शुद्ध भक्त के पुकारने से वो प्रकट हुए हैं तो विशेष रूप से यह हमें स्पष्टता होना चाहिए जब ऐसे हम महान आचार्यों का भी आ, कुछ चर्चा करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे आदर्श सेवाएं आदर्श कार्य किए हैं भगवान की सेवा में जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो बहुत कम उम्र से ही सात साल की उम्र से वो गीता के ऊपर बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण वगैरह देते थे और क्योंकि ये भगवान के पार्षद है तो किस प्रकार से कौन भगवान कृष्ण की लीला में क्या उनका स्थिति था और चेतन महाप्रभु की लीला में उनका क्या स्थिति है इसका जो है गौर गणोदेश दीपिका जो किताब है उसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है और हम देखते हैं कि उसका फिर चेतन महाप्रु जो स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, शची माता जो यशोदा माई है तो ऐसे वो बड़ा सुंदर वर्णन है वहाँ पे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी के हमारे जो आचार्यगण हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर है वो चंपक मंजरी है विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो है विनोद वल्लरी मंजरी है जगन्नाथ दास बाबा जी एक रसिक मंजरी है और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं जगन्नाथ दास फिर भक्ति ठाकुर जो है, वो कमल मंजरी है और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये गुण मंजरी है और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये नयन मणि मंजरी है अभी हमारे जो अभी के संप्रदाय आचार्य ईस्पान के संस्थापक आचार्य है तो भक्ति, भक्ति वेदांत स्वामी शिल रूपा तो ये भी इनका भी जो आध्यात्मिक स्वरूप है अभी इतना ही है कि बाकी जो अन्य आचार्यगण हैं उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति उसको प्रकट किया बताया लेकिन आ, हमें रूपा जी ने वैसे कुछ बताया नहीं वो कौन से मंजरी है क्या है लेकिन ये स्पष्ट है कि हम देखते कि ये सारे आचार्य गण जो है ये साक्षात भगवान के पार्षद जो है यहाँ पे अवतरित हुए हैं तो फिर कोई कह सकता है कि ये सारे जो महान व्यक्ति हैं वो कैसे अवतरित हुए तो क्योंकि चेतन महाप्रु भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित हुए तो भगवान के अवतरण से पहले भी उनके कई सारे पार्षद आते हैं और उनके साथ लीला करने के लिए बहुत सारे पार्षद आते हैं तो हम ये देखते कि ये पूरा परंपरा जो है कोई साधारण परंपरा नहीं है केवल इतना है कि जब हम इस परंपरा को देखते हैं तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हाँ कुछ तो नाम दिए हुए लेकिन इसको थोड़ा गौर से हमें समझना चाहिए जितना हम ये परंपरा को अच्छे से समझ पाएंगे जितना हमारा परंपरा में श्रद्धा बढ़ेगा उतना ये जो भगवदगीता का संदेश शास्त्रों का जो भी संदेश हम परंपरा में प्राप्त करते हैं उसमें हमारा श्रद्धा बढ़ेगा तो इसलिए हमें सारे आचार्यों के बारे में धीरे धीरे समय निकाल के जानने का प्रयास करना चाहिए हमने इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में इसके ऊपर चर्चा किया लेकिन हमारे आप विनती है कि हरेक जो आचार्य या इसमें है उनका आप जानकारी देख के हमारे पास जो बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग आचार्यों के ऊपर वो जान के फिर आपको स्पष्टता आना चाहिए कैसे हम एक प्रमाणित संप्रदाय से जुड़े हैं उसके बारे में तो यहां पे जो है ये हमारा परंपरा के बारे में जो चर्चा हो गया आप में से किसी को इसमें कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं नहीं तो फिर हम आगे का चर्चा शुरू करना अलंकार वो कुछ पूछना है आपको नींद आ गया ठीक <laughs> है रमन गोविंद कुछ पूछना है क्या अभी जो परंपरा का थोड़ा चर्चा किए नहीं प्रभु आपने अच्छे समझा है ठीक है तो फिर हम अभी जो है गीता का पहला अध्याय पहला श्लोक शुरू करने वाले ये सचिन जानवे माता जी बोलिए आपने हाथों पर किया अलंकार प्रो कुछ पूछना है प्रोजी शैव संप्रदाय रुद्र में आता है क्या शैव संप्रदाय ओ <laughs> ओके ओके बड़ा अच्छा सवाल है तो ये जब जी बता रहे हैं इट्स अर्थात शैव लोग जो है तो जब वैष्णव और शैव ये चर्चा आता है तो उसमें जो शैव कहे गए हैं वो शिव जी को एक भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं तो और वो कहते हैं कि शिवजी ही परम है तो वो शैव धारणा वाले अलग है और जब हम रुद्र संप्रदाय का चर्चा कर रहे रुद्र संप्रदाय अर्थात ये वैष्णव ही है जो स्वीकार करते हैं कि वैष्णव वैष्णवान जो सारे वैष्णव है उसमें शिवजी जो है एक महान वैष्णव है इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं तो आपको ये ये तो आपको ये स्पष्टता होना चाहिए कि रुद्र संप्रदाय अर्थात ये वैष्णव का यहाँ पे चर्चा है और शैवाइट जो कहे जाते हैं तो वो शिवजी के भक्त है लेकिन ये जरूर नहीं है कि वो वैष्णव हो और इसलिए हमें देखा जाता है कि बहुत बार उसके ऊपर बहुत सारा वाद विवाद भी होता है तो ये स्पष्ट है आपको कि रुद्र संप्रदाय अलग है और जो शैवाइट कहे जाते हैं वो अलग है yes, हरे कृष्णा दंडत प्रणाम प्रभु जी गणपति फिर कौन से संप्रदाय में आएंगे गणेश जी हाँ माता जी बड़ा अच्छा सवाल किए अभी जैसे प्रोजी ने शैवाइट जो है उनके बारे में पूछा तो वैसे जो गणपति के भक्त है अगर वो गणपति को अलग से भगवान स्वीकार करते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि वो किसी संप्रदाय में नहीं है लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता अलग, अलग अलग शास्त्रों में स्पष्टता दिया गया है कैसे गणेश जी भी भगवान के महान भक्त हैं तो अगर कोई गणेश जी को एक भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर उनसे आने वाला परंपरा को स्वीकृति है और निश्चित रूप से अभी उनका अलग से कोई परंपरा मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ये चार संप्रदाय दिए गए हैं ये भगवान ने ये चार लोगों को ज्ञान प्रदान किया है गणेश जी को वैयक्तिक रूप से ऐसे ज्ञान प्रदान किया उसका कहीं चर्चा दिया नहीं है या मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूं ठीक है माता जी ओके okay, और किसी का कुछ जिज्ञासा है हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ प्रभु जी आपने ये बोल, बताया ना कि भक्ति कौन मंजरी की तो एक बार ये बोल देंगे लिख याद रहेगा नहीं हो बढ़िया <laughs> अभी ये जो है ना पूरा गहराई में दिया हुआ है मैं बस आपको कुछ आचार्यों का ही बताया हूँ आपको ये बताता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो चंपक मंजरी है आपको किन का जानना है सबका बताना है ये आप बोले थे ना भक्ति हाँ, बाबा भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो कमल मंजरी है और किशोर और... दास बाबा जी महाराज गुना मंजरी है अच्छा और, और जगन्नाथ बाबा जी हाँ जगन्नाथ दास बाबा जी वो विनोद वल्लरी मंजरी है नहीं नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी रसिक मंजरी है और इनका भी है क्या भक्ति सिद्धांत ठाकुर राज महाराज जी का वो आपको पता है ना वो नयन मणि मंजरी है नयन मणि ठीक 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 हो गया डिहेरिगेशन तो अभी जो है हम जो पहला अध्याय है उसका चर्चा करने जा रहे हैं तो आप लोग ये पहला अध्याय शेयर किया आपको दिख रहा है क्या बताएंगे क्या एक मिनट मुझे प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए अक्षर बहुत छोटा लग रहा है हाँ एक मिनट वही कर रहा हूँ इधर वो इसके कारण से ठीक है अभी दिखेगा अभी आपको अध्याय एक दिख रहा है क्या हाँ प्रभु जी आ गया दिख रहा है दिख रहा है तो ये जो भगवत गीता का हम चर्चा करने जा रहे हैं तो भगवत गीता जो है कितने श्लोक है कोई बताएंगे सेवन हंड्रेड हाँ और तो बता रहे जैसे सात सौ श्लोक है तो हम देखते हैं कि ये भगवत गीता जो है विशेष रूप से इसमें पांच सौ पचहत्तर श्लोक जो है भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं उसमें त्रयासी श्लोक एटी थ्री वर्षे जो है वो अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं और इकतालीस श्लोक जो है वो संजय बोलते हैं और एक श्लोक जो है वो किसके द्वारा है, हाँ, के दुर्णारी 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 है। तो इस प्रकार के सात श्लोक है भगवदगीता में तो हम देखते है भगवदगीता में जैसे मैंने आपको एक कुछ असाइनमेंट दिया था कि पहले छह अध्याय में जो है भगवान कृष्ण के कहा कितने नाम है वो ढूंढने के लिए तो हम देखते कि भगवान कृष्ण के कई सारे नामों का उच्चारण आता है गीता में अगर ऐसा रहता है कि अगर ये जो विज्ञान है ये जो शास्त्र है ये आ एक अद्वैतवाद है या मायावादी तत्वज्ञान है जहा पे भी भी। एक ब्राह्मण अभी तो जो बातें करेंगे उनको हम वेटिंग रूम में डाल देंगे ठीक है तो इसमें जो है हम जैसे ही चर्चा करते कि कैसे कोई एक ब्राह्मण दूसरे ब्रह्मन को कुछ बता रहे हैं तो अगर इस प्रकार से सोच है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कुछ बता रहे हैं तो फिर ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलना चाहिए इतने सारे नाम लेने का क्या जरूरत है तो गीता में केवल भगवान के इतने सारे नाम यही दर्शाता है कि यहाँ पे मायावाद का खंडन हो जाता है अर्थात ये कोई मायावादी तत्व ज्ञान नहीं ये निश्चित रूप से भागवत तत्व ज्ञान है और विशेष रूप से भक्ति सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते कि भागवत संप्रदाय तो उस प्रकार से इसमें हम देखते कि ये स्पष्टता दिया गया है भगवत गीता में हम देखते भगवान कृष्ण को योगेश्वर नाम से संस्तुति की गई है अभी अगर हम गीता सीखना चाह रहे तो जिस प्रकार से आ, कोई भी हमें शास्त्र सीखना है या किताबें पढ़ी जाती है तो कम से कम जो है लोगों को उसमें शुरुआत में क्या क्या अध्याय है उसका ज्ञान होता है तो हमने पहले जो है ये आज का कक्षा के पहले चर्चा की किस प्रकार से गीता में कौन से अठारह अध्याय है और विशेष रूप से जो हम अध्ययन करने जा रहे उसका थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा भी किया हमने अभी जो है हम थोड़ा थोड़ा गहराई में जाएंगे लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमें उतना ज्यादा सब कुछ याद नहीं रख पाते तो कम से कम गीता का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक ये दो तो अच्छे से पता होना चाहिए तो एक बार जो है प्रूपा जी बहुत सारे संस्कृत विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे थे और उस समय पे यमुना माता जी भी वहां पे मौजूद थे तो चर्चा के समय रूपा जी ने कहा किस इस प्रकार से ये ज्ञान जो है केवल भारतीय लोगों के लिए सीमित नहीं है लेकिन ये ज्ञान जो है सब जगह बांटना चाहिए पाश्चात्य देशों के लोगों को भी ये ज्ञान देना चाहिए तो जब इस प्रकार से समझा रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए ये लोग भी ये शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं अच्छे से याद रख सकते हैं तो यमुना माता जी को बुलाते और कहते हैं कि आप जो है श्री निषद के श्लोकों को बताओ उध्रुत करो तो उनको जैसे बोला तो माता जी जो है और प्रोपद जी ने उनको बताते समय कहा कि ये देश से है लेकिन इनको ईशोपनिषद के सारे श्लोक आते हैं तो माता जी जो है वहां पे आए और उन्होंने शुरू किया ओम पूर्ण मध पूते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम तो इस प्रकार से वो होने के बाद फिर अभी जैसे वो मंत्र शुरू करने जा रहे थे तो उनको लगा अभी मुझे तो सारे श्लोक याद नहीं मुझे तो केवल इतना ही याद है अभी क्या होगा तो भगवान को बड़ा प्रार्थना करने लगे फिर बोल रहे थे ईशावा श्रमिद जगत्याम जगत तेन त्यक्न भुंजिता तो जैसे उन्होंने श्लोक बोला तो ने उनको बोला ठीक ठीक है है बहुत अच्छा बोला हो गया आप जाओ। तो उसके बाद सारे जो विद्वान वहां मौजूद थे वो तालियां बजाने लगे और उन्होंने बड़ा प्रशंसा किया तो देखा जाए तो जैसे परिस्थिति ये थी कि अगर उनको उतना भी नहीं आता था तो हम देखते प्रूपा जी जो इतना विश्वास रखे या रूपा जी का आ, वो एक दृष्टिकोण से ऐसा होता था अरे क्या इनको आता नहीं ऐसे तो उसी प्रकार से हमें भी जो है जैसे अभी आप सब भक्त लोग बड़े अच्छे से श्लोका टेस्ट वगैरह दिए लेकिन कई सारे भक्तों ने जो है आ, जो बंद किताब है वो अच्छे से लिखी नहीं तो हमें कुछ रिपोर्ट मिला उन्होंने कहा कि हमने शुरू किया उसमें से तीन चार लोग फेल हो गए तो हमें बड़ा दुख लगा कि हमें अच्छे ढंग से आपको मार्गदर्शन करने को नहीं आ रहा है तो हम समय पहले आपको कुछ मदद करना चाहेंगे जो कि आप बंद किताब के जो सवाल है अभी से आप तैयारी कर सकते हमने तो आपको वो सवाल वगैरह सब कुछ भेज दिया है लेकिन फिर भी पता नहीं कि कैसे बहुत सारे लोग जो है वो उसमें अच्छे ढंग से लिख नहीं पाए या पास नहीं हो पाए तो हमारा आपको विनती है अभी ये जो हम गीता की कक्षा है इनका चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा आप ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं स्वाध्याय कर सकते हैं और ये अगर इसमें कुछ आपको ज्यादा जो हम चर्चा करते वो नहीं समझ में आया तो भी समस्या नहीं लेकिन खुली जो बंद किताब के सवाल है वो तो बहुत छोटे छोटे हैं अर्थात तो उसमें बहुत ज्यादा याद भी नहीं रखना है तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा यह हमारा आप सबको विनती है तो जो हमने बताया कि कैसे यमुना माता जी दो श्लोक बोली तो उसी प्रकार से ये भगवदगीता का जो पहला श्लोक है वो और आखिरी श्लोक कम से कम हमें उतना तो जरूर आना चाहिए तो भगवत गीता का पहला श्लोक बड़ा आसान है धृतराष्ट्र वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सावः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय तो एक पहला श्लोक है और आखिरी 18वें अध्याय का जो 78वां श्लोक है वो है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा तो एक प्रकार से दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है और पहले श्लोक में चर्चा शुरू हो रहा है धर्म से और जो आखिरी श्लोक है उसमें आ रहा है ध्रुवा नीतिर मतिर मम तो मम अर्थात मेरा तो उस प्रकार से गीता क्या है धर्म मेरा मेरा जो धर्म है हमारा क्या धर्म है उसके बारे में हमें सिखलाता है। तो कम से कम से हमें ये दो श्लोक तो याद रखना चाहिए शुरुआत में अभी और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको जितना आप ये दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें, उतना भगवान आपके हृदय को शुद्ध बनाएंगे और निश्चित रूप से आपको और भी अच्छे से ये सारे जो श्लोक दिए गए हैं कम से कम यूनिट एक जो है गीता का जिसमें आपको पहले छह अध्यायों के श्लोक भेजे गए तो उनको याद रखने का प्रयास करना चाहिए और क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय तीन महीना है और तीन साढ़े तीन महीना तो उसमें आपके हो जाने चाहिए देखते हैं कि हम गीता में जो है जैसे मैंने आपको ये श्लोक बताया यत्र योगेश्वर कृष्ण तो इसमें जो है भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है अर्थात जो सारे अलग अलग योग पद्धतियां सबके स्वामी हैं और हो सकता है कि अलग अलग जो है आ, लोगों को योग में प्रवीणता हो लेकिन भगवान जो है सारे ये योगी जो है उनके आ, योगेश्वर अर्थात स्वामी हैं इसमें गीता में करीबन अठहत्तर बार ये योग शब्द जो है आता है तो योग शब्द युज धातु से आता है संस्कृत में जो धातु है अर्थात जिसका अर्थ होता है कि जुड़ना और निश्चित रूप से जब जुड़ने का बात आता है तो उसका अर्थ ही क्या हो गया कि जीवात्मा और भगवान जो है ये शाश्वत रूप से अलग है अंश जीव लोग जीव भूत सनातन तो एक दूसरे का जो संपर्क है वो अभी जो बद्ध जीवात्मा है भौतिक जगत में आने के कारण वो संपर्क टूट गया है या अज्ञान से वो अवरुद्ध हो गए तो अभी उस संबंध को वापस पुनर्जागृत करना है तो ये योग पद्धति के द्वारा है और ये गीता में ऐसे आपको बार बार कैसे भगवान के साथ जुड़ना है उसको उद्धृत किया गया है बताया गया है तो यहाँ पे जो भगवद गीता के हमने अलग अलग अध्याय के नाम देखे तो जब भगवान कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे या भगवद गीता बता रहे थे तो उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भगवान ने शुरू बताते समय ये बताया अभी जो है आ, हम अर्जुन विषाद योग का चर्चा करेंगे फिर उसमें धृतराष्ट्र का ये पहला श्लोक आएगा और फिर संजय हुआ चाहिए तो ये सारा इस प्रकार से नहीं होता है तो गीता का जो भी चर्चा है वो निश्चित रूप से भगवान बोलते जाते हैं और उसके बाद जो है अर्जुन और उनका जो संवाद है वो चलता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अध्याय जो है हम जो नाम देख रहे हैं ये आचार्यों ने इनके नाम दिए हुए हैं तो इसलिए Uh, कभी कभी हमें वो अध्याय के नाम में भी कुछ थोड़ा अंतर दिखेगा जैसे प्रोपा जी ये बोल रहे कि सैन्य निरीक्षण दर्शन वो सैन्य दर्शन योग अभी किसी के गीता है क्या हिंदी वाला yes, आ, क्या नाम दिया है, है. निरीक्षण 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 उतना ही है कुरुक्षेत्र हाँ। के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण ओके हाँ। तो अभी जब ये नाम दिया गया है तो हमें ये स्पष्टता है कि ये एक नाम है साथ साथ आ, दूसरा ये नाम है अर्जुन विषाद योग तो निश्चित रूप से ये भगवान नाम नहीं दिए हैं तो बाद में जो है हम देखते है व्यास देव जी उन्होंने ये इसका विभाजन किया है और आचार्यों के द्वारा इसको ये नाम प्रदान किए गए और प्रभुपाद जी ने जो प्रभुपाद जी का गीता है यथारूप इसमें जो हम अलग अलग अध्याय के नाम देख रहे ये नाम जो है अः प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण जो है उनके जो टिक टिका टिप्पणी उसके आधार पर लिए है तो, पूरा गीता में जो है आ, भगवान के जो ये हम अलग अलग नाम भी देखते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे हम आगे चर्चा करेंगे तो आचार्यों ने कैसे हर एक नाम का क्या क्या किस प्रकार से अर्थ लगता है जब अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं उनका उस नाम से भगवान को संबोधित करने के पीछे क्या हेतु है वगैरह सब वो हम चर्चा करते हैं उसमें गहराई में जाएंगे तो हम देखते हैं कि सामान्यता जब लोग गीता का चर्चा करना चाहते हैं तो वो अपना कुछ आ, सोच रखे चर्चा बढ़ाते हैं लेकिन जब हम भूमिका में देखे तो रूपा जी कहते हैं कि पहले कम से कम व्यक्ति को अगर गीता जानना है तो उसको चाहिए कि वो भगवान आ, ये कृष्ण को जो है भगवान के रूप में स्वीकार करे उसके ये कम से कम है बाकी हम भक्तों से वो सारा चर्चा किए थे तो इसके आधार पर फिर हम आगे गीता समझ पाएंगे बल्कि पिछली कक्षा में या कुछ ऐसे मैंने सुना था कि आप लोगों को कैसे हमें कक्षा में बैठना चाहिए कैसे हमें थोड़ा ध्यान पूर्वक रहना चाहिए इसके बारे में कुछ बताया गया तो किसी को उसके बारे में अगर कुछ अः दुख लगा हो तो वो हम क्षमा चाहते लेकिन विशेष रूप से ये समझना चाहिए कि जैसे अः ये जो माता जी आपको बताए तो उनका परिवार भी पूरा भक्त लोग है उनके प्रभु जी भी बहुत सारा प्रचार वगैरह करते हैं और उस कारण से जो है वो चाहते कि हम एक अच्छे स्टैंडर्ड अच्छा तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छे तरीके से प्रस्तुत आए तो हमें वो थोड़ा अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए ये नहीं समझना चाहिए कि अरे हमें इस प्रकार से बोला जा रहा है या तो वो वहां पे दृष्टिकोण नहीं है एक ही एक ही मदद करना है तो अच्छे गुण रहना ये बहुत अच्छा व्यक्ति के लिए लाभदायक है तो हम एक शास्त्रों के आधार पर आपको बताएंगे किस प्रकार से शास्त्रों में भी बताया गया है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गुण होते हैं और हमें अगर अच्छे गुण आत्मसात करते हैं तो बहुत जल्दी हम प्रगति कर पाते हैं तो हम बीस गुणों के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको अगर कृष्णा प्रभु अभी, अभी जो आपने मतलब ड्रेसिंग का जो अभी बोला तो हम लोग पहले मतलब सत्रह साल पहले ना मतलब बाहर जाते थे तभी तो तिलक लगाते थे आ, मतलब मतलब वो पोशाक मतलब प्रभुपाद ने जो बटा वैष्णव वो यूज करते थे लेकिन एक बार सिक्रम रोज ही सीसी सीसी में सी में चैतन की क्लास में बता रहे थे तब से मैंने छोड़ दिया तो बता रहे थे कि हम लोग तिलक पहन के बाहर जाते हैं और मतलब कभी भी रस्ते पे कुछ हो जाता है या फिर शॉप में कभी कुछ मतलब बाहर किसी से भी कुछ अनबन हो जाती है तो वो लोग हमारी मतलब हमारी वेशभूषा या फिर तिलक वगैरह देख के वो लोग कहते हैं कि ये इस कान के लोग ऐसे हैं तो उससे बेटर है कि आप बाहर जाते हो या फिर ऐसा कुछ भी ने, ने बताया, बताया? प्रभु जी अभी आप उनसे बोलेंगे मैंने उनका नाम बताया अभी आपको तो तब से मैंने तो तो विशे विशेष बताना चाह रहे की तब से मैं ये जो आप कह रहे हैं छोड़ दिया अगर आपने देखा कि प्रूपा जी के समय पे तो प्रूपा जी ने कभी ऐसे बोला नहीं है नहीं तब नहीं नहीं उन्होंने ऐसे ही सारे सीसी में सबको बताया था हाँ तो नहीं, बराबर है ले, लेकिन अगर आप ये अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति तिलक पहन के जाता है तो बाकी सारे लोगों को भगवान का स्मरण होता है तो निश्चित रूप से जब हम भक्तिमय जीवन का पालन कर रहे हैं तो उसमें कुछ हमें ये नहीं मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अरे हमें क्यों तिलक धारण करना है हाँ ऐसा है कि अगर आप नियमों को तोड़ रहे जैसे आ, हम जब कुछ आ, सेवा देख रहे थे हमारे आ, 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 साथ कुछ एम्प्लॉय लोग लोग, काम कर रहे थे कामगार कामगार तो उसमें से एक कामगार जो है, वो तिलक लगा के बाहर सिगारेट फूकने के लिए गया था तो बाद में जब आने के बाद हमें उनके बारे में पता चला तो हमने उनको बताया कि आपको ऐसे बाहर जाते समय तिलक तिलक बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आप पालन नहीं कर रहे हो लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप दीक्षा लिए हैं और आप बोलेंगे कि हमें तिलक लगा के नहीं जाना चाहिए तो उसका कुछ अलग अर्थ होता है आप समझ रहे तो हाँ, ने, ने, जो सवाल नहीं नहीं है। मेरा है, जो पालन नहीं कर पाते उन्होंने नहीं लगाया तो अलग बात है लेकिन जो नियमित रूप से भक्तिमय जीवन का पालन करे तो उनको लगाना चाहिए जो अच्छा। की बाकी जो अन्य लोग हैं उनको निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त हो और आप जैसे बता रहे कि कि अगर कुछ हो जाता है, तो हमें वो परिपक्वता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए नहीं उन्होंने इन हम... जनरल सबको बोला था प्रभु जी ऐसा नहीं कि पर्सनल किसी को बोला था लेकिन उन्होंने कहा था उससे बेटर है कि बाहर आप मत लगा के जाइए

मुझे याद है मैं कॉलेज में लगाती थी तो जो लोग ऐसे बेकार क्राउड था ना वो कभी आते ही नहीं थे हमारे पास अरे ये तो एक तो ऐसे करके तो वो भी एक अच्छा है कि जो आसुरी प्रवृत्ति है वो शायद आपके पास कभी आए ही नहीं है ना क्योंकि वो देखते हैं कि ये भक्त है करके तो एक तरह से अच्छा है बट कॉन्शियसली उसको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हमने तिलक धारण किया है और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए बढ़िया हाँ, बहुत अच्छा बताया सही है, है एकदम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, और कोई झगड़ा हो जाए तो चुप नहीं बैठ सकते ना माता जी आपका सही है कि बुरे लोग पास नहीं आएंगे लेकिन गाड़ी चला हाँ, रहा है किसी ने ठोक दिया तो हम लोग चुप तो नहीं पड़ेगा हमारे गाड़ी का नुकसान हो गया तो इस कंडीशन में अरे कृष्ण तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हमारा बस यही कहना है कि जिनको लगता है कि हम अच्छा आचरण अच्छा व्यवहार कर सकते हैं बाहर लोगों के लिए तो तिलक धारण करके जाना चाहिए जब हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो माता जी जैसे बोले तो नहीं पहनना ही अच्छा है जो कि हम गलत कुछ आ, 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 एक उदाहरण ना दिखाए रूपा जी जैसे कहते हैं कि अगर आपको पहचानना है कि हमारे अनुयायी या इकॉन के सदस्य कैसे तो बतलाते कि वो परफेक्ट जेंटलमैन एंड जेंटल वुमन या परिपूर्ण जो है वो सभ्य पुरुष और सभ्य स्त्री इस रूप से तो अगर वैसा नहीं है तो माता जी जैसे बोले तो हमें वो देखना चाहिए क्या सही रहेगा ठीक है तो साथ साथ जो है मैं आपको ये बता रहा था कि हमें जो है शास्त्रों में अलग अलग जो जानवर है उनके द्वारा भी कुछ अच्छे गुणों को सीखना चाहिए इसके बारे में बताया गया अगर वो अच्छे गुण रहेंगे तो हो सकता है कि हम जल्दी ही एक जो हमें गीता सीखना है या जो भी लक्ष्य हमें प्राप्त करना है आध्यात्मिक जीवन में उसके लिए सहायता हो सकती है तो कहा जाता है कि सिंह जो होते हैं लायन वो जो भी करते हैं उसमें वो पूरा दिल डालते हैं और बड़ा कठिन प्रयास करते हैं तो उनका ये जो गुण है कि बहुत दिल से कठिन प्रयास करना ये से हमें सीखना चाहिए बगुला जो होता है बगुले की तरह हमें हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए मुर्गा जो होता है मुर्गे के जीवन में आप देखेंगे वो समय पे जगता है बहुत साहसी और लड़ाई करता है और अपने रिश्तेदारों के बीच में जो भी है वो उसका सही बंटवारा करता है और अपने व्यक्तिगत प्रयास से वो जो उसको चाहिए खाना वगैरह उसको वो अर्जित करता है या कमाता है इस प्रकार से ये मुर्गे के बड़े अच्छे चार गुण हैं कौवा जो होता है उसमें देखा जाता है कि बड़ा वो साहसी है संग में रहता है और उपयोगी जो वस्तु है उनका संग्रह करता है और चौकस रहता है और आसानी से दूसरों पे विश्वास नहीं करता तो ये कव्य में पांच बड़े महत्वपूर्ण गुण होते हैं कुत्ते में छह अच्छे गुण रहते हैं जैसे वो कम खाने में ही संतोष रखता है कभी कभी हो सकता है उसको बहुत भूख लगा लेकिन वो कम में संतुष्ट हो जाता है उसको अगर गहरी नींद में है तो भी वो तुरंत जग जाता है बहुत दक्ष होता है उसमें बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसका जो है अपने स्वामी के प्रति भक्ति होता है।, बहुत होता है और उसमें वीरता देखी जाती है वैसे गधे में भी तीन अच्छे गुण होते हैं जैसे देखा जाता है कि बहुत थक गया तो भी गधा जो है वो अपना बोझ उठाता है वो अलग अलग जो मौसम है कभी सर्दी हो कभी गर्मी हो तो उसका वो परवाह नहीं करता है और निश्चित रूप से वो हमेशा संतुष्ट रहता है तो ऐसे गधे से भी हमें ये तीन गुणों को सीखना चाहिए अगर कोई व्यक्ति ऐसे ये जो हम अलग अलग बीस गुणों का चर्चा किया तो इनको आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से कहा गया है कि यह एतन विंशति गुणान आचरष्यति मानव कार्य सर्वसु अजेह स भविष्य तो वो सारे कार्यों में जो है अजेह अर्थात तो उसको निश्चित रूप से यश प्राप्त होगा तो इसलिए अभी हम ये जो गीता का चर्चा शुरू करने जा रहे हैं निश्चित रूप से हम जहाँ पे भी अच्छे गुण हमें प्राप्त हो सकते वहां से अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर गंदगी में भी सोना पड़ा है तो सोने को उठा लेना चाहिए तो वो गंदगी से सोना बदलता नहीं मतलब तो सोना सोना ही रहता है तो उसी प्रकार से हमें ये कुत्ता हो गधा हो जो भी है लेकिन अच्छे गुणों को स्वीकार करना चाहिए और जब ये गुणों को हम विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो लाभदायक है जैसे यहाँ कहा गया कि व्यक्ति जो है निश्चित यश प्राप्त करेगा तो अभी ये जो भगवद गीता का चर्चा है इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में जो श्लोक है धृतराष्ट्र हुआ अर्थात ये दिख रहा है कि हमें भगवद गीता सीखना है जो आ, सामान्यता बाहर के लोग जो होते वो कहते भगवद गीता मतलब जैसे आ, हमने अभी चर्चा किया था कि गीता में जो है पांच सौ पचहत्तर श्लोक भगवान कृष्ण बोले तो कहते कि जो भगवान कृष्ण बोले वही गीता अर्थात ऐसे उनका कुछ सोच रहता है आचार्य लोग उसको सम्मति नहीं देते आ, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जैसे अर्जुन कुछ सवाल पूछ रहे वगैरह तो भगवान की प्रेरणा से इसलिए वो सारा भगवत गीता का ही एक हिस्सा है या भाग है तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि कैसे ये धृतराष्ट्र वाचा है जबकि हम जानना चाह रहे कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद तो गीता जैसे हमने पहले चर्चा किया ये महाभारत का भीष्म का एक भाग है अभी जब महाभारत का एक भाग है तो महाभारत में किसका किसका चर्चा है तो महाभारत में जो वैशम पायन है वो जन्म को महाभारत सुना रहे उस संवाद के बीच में संवाद आता है जहां पे हम देखते हैं कि संजय जो है ये धृतराष्ट्र को सारा जो महाभारत का दृश्य है वो वर्णन कर रहे हैं और उस वर्णन में हम ये और एक संवाद देखते हैं जिसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे हैं तो इस प्रकार से एक संवाद के बीच दूसरा ऐसे ये संवादों की श्रृंखला है तो इस प्रकार से व्यासदेव जो है वो देखे कि धृतराष्ट्र जो है अंधे है बचपन से और निश्चित रूप से वो व्यासदेव की पुत्र है तो इनको अगर युद्ध देखने की अभिलाषा है तो इनको मदद करना चाहिए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को पूछा कि हम आपको जो है ऐसा दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जो कि आप इस युद्ध को देख पाएंगे तो उस समय धृतराष्ट्र को बड़ा डर लग रहा था कि इस युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे जाएंगे पूरा जीवन मैंने जो है उनको इतना लाड़ प्यार से बड़ा किया इतना खिलाया फिर वो ऐशो आराम से जिए अभी जब उनका ये मृत्यु का समय है उस समय मुझे आंखें मिलेंगे और मैं ये सारा देखूंगा किस प्रकार से उन वो मारे गए हैं तो बहुत बड़ा दुख होगा इसलिए वो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे आंखें मत दीजिए अर्थात तो उन्होंने आ, वो दृष्टि दे रहे थे लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है ये दृष्टि संजय को प्रदान कीजिए जो कि वो मुझे जो कुछ हो रहा है वो बता पाएंगे तो इसलिए हम देखते हैं कि व्यास प्रसादार्थ अर्थात व्यासदेव जी के कृपा से जो है संजय कुरुक्षेत्र के रणभूमि पे जो चल रहा था वो सारा देख पा रहे थे और मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे वो जैसे हम सामान्यता आंखों के सामने या जो कुछ है उतना ही देख पाते हैं लेकिन संजय को ये जो दिव्य दृष्टि था उससे वो हर जगह अलग अलग जो संवाद चल रहे अलग अलग योद्धाओं के बीच में आ, सब कुछ वो सारा वो देख पा रहे थे सुन पा रहे थे तो उनका वो दिव्य दृष्टि जो था वो हमारे जैसा सामान्य दृष्टि जैसा नहीं था वो बड़ा विशेष था तो इसलिए वो जब आप महाभारत पढ़ेंगे आपको ये स्पष्टता आएगा किस प्रकार से संजय जो है जो योद्धा क्या सोच रहे उनके मन में उसके बारे में भी अच्छे से जान पा रहे थे तो जब हम इस अध्याय की शुरुआत देख रहे हैं, राष्ट्र कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के मानसिकता से यह अध्याय का शुरुआत हो रहा है तो मेरा आपको इनती आप, आप म्यूट रख के ये श्लोक मेरे पीछे बोलिए धृतराष्ट्र वाच

संजय तो इसमें हम ये श्लोक में देख पा रहे ध्रुतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया कभी तो ध्रुतराष्ट्र अपने मंतव्य को यहाँ पे प्रकट कर रहे ध्रत राष्ट्र ये पांडु महाराज के बाद पांडु महाराज जैसे वनवास में जाते हैं तो इनके पास जिम्मेदारी आता है और पांडु के बाद पांडु के पुत्रों को क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का पहले जन्म हुआ था उनको राजगद्दी होना चाहिए लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक धुत राष्ट्र संभालने वाले तो एक प्रकार से राजा के रूप में वो कार्यरत थे और राजा होने के कारण जो है उनको चाहिए था कि वो इस युद्ध को रुका सकते थे लेकिन देखा जाता है कि उनके अंदर क्षमता होने के बाद वो युद्ध को रुका नहीं पाए अगर वो कहते थे कि हमें युद्ध नहीं करना है तो युद्ध रुक जाता था क्योंकि उनके अनुसार ही जो विष्णु पितामह है और बाकी अन्य लोग जो है उसको स्वीकृति देते थे लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो उनके पुत्र के प्रति दुर्योधन के प्रति बड़े आसक्त थे और वो आसक्ति के कारण जो है वो दुर्योधन की जो इच्छा थी कि कैसे भी युद्ध करना ही है उसको वो रुका नहीं पाए तो देखा जाता है कि कैसे वो इतना बलशाली व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी अपने आसक्ति के कारण दुर्बल हो जाता है अगर आपने देखा होगा या ये कहानी सुनी रहेंगे महाभारत के युद्ध के बाद जो है जब धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो जाता है संजय ने जब वो सारा बतला है वर्णन किया है कि उनके सारे सौ पुत्रों की हत्या किसने किया थी कोई बताएंगे प्रभु जी हाँ तो भीम जो है सारे शो को उन्होंने मारा था तो उनके अंदर जो है भीम के प्रति बहुत अंदर ये था उनके प्रति क्रोध था और उनका इच्छा था कि अभी मुझे जो है भीम को कुछ ना मतलब इसका सबक सिखाना है तो जब युद्ध के बाद सारे पांडव उनको मिलने जाते हैं तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र गले लगाते हैं बाद में जब समय आता है युधिष्ठिर के बाद भीम धृतराष्ट्र को गले मिलने जाएंगे तो उस समय पे जो है भगवान कृष्ण भीम को हटा के जो दुर्योधन भीम के लोहे का एक मूर्ति था जिसके साथ वो गदा युद्ध करते थे या उसके ऊपर गदा से प्रहार करते थे उस मूर्ति को आगे करते हैं और धृतराष्ट्र जब उसको आलिंगन देके उसको चकनाचूर कर देते हैं तो उस समय पे वो रोने लग जाते अरे मैंने क्या किया भीम को मार डाला ऐसे वगैरह लेकिन बाद में भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं कि आपने क्रोधावेश में ऐसा किया लेकिन मुझे यह पता था इसलिए मैंने इस प्रकार से ये मूर्ति जो है ये थी तो फिर बाद में वो भीम को आलिंगन करते लेकिन देखा जाए तो वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उस लोहे के आ, मूर्ति को भी आ, अपने आलिंगन से ये कर दिया था तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है ये बहुत आसक्त थे अपने पुत्रों के प्रति और वो आसक्ति जो है इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो एक लोहे के मूर्ति को भी ऐसे आलिंगन देके उसको आ, ये कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी दुर्बलता आ जाती है और दुर्बलता के कारण वो जो सही निर्णय लेना है वो सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है तो ये आसक्ति का स्वभाव है इसे हमें जानना चाहिए तो जब भगवान कृष्ण भी एक शांति दूत के रूप में युधिष्ठिर महाराज के कहने पे जो विराट के राज्य में ये सारे पांडव लोग रहते और वहां से फिर वो पास में ही एक जगह पे सब लोग निवास करते हैं और फिर वहां से फिर भगवान कृष्ण को एक शांति दूत के रूप में भेजा जाता है तो जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में आते हैं तो धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को जब भगवान कृष्ण बोलते कि अरे आपको ये ऐसे करना चाहिए वगैरह तो कहते कि मैं असहाय हूं अर्थात मैं चाह के भी ये युद्ध को रुका नहीं सकता हूं क्योंकि उनको अपनी जो आसक्ति है उसके कारण से संभव नहीं था तो भगवान कृष्ण कहते किस प्रकार से इतना बड़ा जो सम्राट है वो भी ऐसे दयनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है उनके आसक्ति के कारण तो जैसे हम यहाँ धृत वाच ऐसे कह रहे तो ये ध्रुत राष्ट्र अर्थात जो राष्ट्र अर्थात अपने जो शरीर है उसके प्रति जो बहुत आसक्त है इस प्रकार से ध्रुत राष्ट्र जो अपने शरीर के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति बड़ा आसक्त है और जब यहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्स कहा गया है तो सामान्यतः हम देखते ये क्षेत्र अर्थात खलिहान जो होता है उसके लिए भी ये क्षेत्र शब्द को इसका ये किया जाता है प्रयोग किया जाता है किस प्रकार से इस कुरुक्षेत्र के पावन भूमि पे भगवान कृष्ण जो है जो धर्म से धर्म के लिए अनुकूल ऐसे पांडव लोग है ऐसे पांडवों के लिए पोषण करेंगे ऐसे जो पौधे हैं उनको उगाएंगे और जो अधर्म के पौधे हैं उनका नाश करेंगे जैसे खरपतवार होता है तो उनको निकालना होता है नहीं तो जो महत्वपूर्ण जो काम के पौधे हैं जिनको जल सिंचन होना चाहिए जल जाना चाहिए उसके जगह खरपतवार जो है वो सारा जल ले लेते हैं तो उनको निकालना पड़ता है तो उस प्रकार से भगवान कृष्ण जो धर्म के पिता है या धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में ऐसे सारे अधर्मी जो कौरव है उनको या ये सारे जो अधर्म के पौधे उनको निकालने वाले हैं तो ये हम यहाँ पे स्पष्टता देख रहे हैं कि इस श्लोक में जो है भगवान कृष्ण बल्कि धुत राष्ट्र उदृत करे इस प्रकार से लेकिन यहाँ पे इस शब्द से धर्म क्षेत्र इससे स्पष्टता आ रही है ये कोई साधारण जगह नहीं है और यहाँ पे धर्म क्षेत्र में युद्ध होने के कारण उसका परिणाम क्या हो गया वो पहले से स्पष्टता आ रही है अभी जैसे हमने देखा ये श्लोक में धृतराष्ट्र की मानसिकता दिख रही है तो माम कहा पांडवाश्चै तो अर्थात वो अपने और पांडु के पुत्र बल्कि एक ही परिवार है लेकिन दोनों को अलग अलग कर रहा है और उससे उसकी यहाँ पे जो आसक्ति है उसके पुत्रों के प्रति वो स्पष्टता से दिखाई दे रही है जब कोई व्यक्ति जो है अगर उसके सामने आ, खाना रखा गया है भोजन का पूरा थाली रखा हुआ है और भोजन का समय है तो आप में से कौन बताएगा वो व्यक्ति क्या करेगा वो तो खाने को सिर के ऊपर डालेगा वो खाने को कौवे को बाटेगा क्या करेगा कौन बताएगा खा जाएगा खाना खाएगा बराबर ना? तो उसी प्रकार से जब ये सारे लोग यहाँ पे बताया गया समवेता युद्ध सवाहा अर्थात वो किस लिए एकत्रित हुए है युद्ध करने की इच्छा से अगर वो वहां पे एकत्रित हुए है तो इस प्रकार का सवाल करना कि किम अकुरुवता? उन्होंने एकत्र होने के बाद क्या किया ये सवाल ही सही नहीं है देखा जाए लेकिन यह सवाल क्यों कहा गया है क्योंकि उसको डर है वो डर किस बात का है क्योंकि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अब ये सप्तमी एक वचन है जिसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र के ऊपर या इस क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में ये जब सारे लोग एकत्रित हुए तो वो क्या कर रहे हैं रूपा जी तात्पर्य बड़ा सुंदर ढंग से समझा रहे भगवत गीता एक बहु पटित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है इसका हमने गीता महात्म्य का थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा किया था तो जब कहा गया है कि आस्तिक विज्ञान है और सार रूप में दिया हुआ है तो आप में से कोई बतलाने चाहेंगे इसका अर्थ क्या होता है गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है शॉर्टकट में प्रोफेसर बढ़िया एकदम समरी समरी को समरी उसको स्टार में सब आप लोगों को अंग्रेजी इतना अच्छा आता है मेरे को ही उतना आता है मेरे को लगता है अंग्रेजी कक्षा होनी चाहिए तो और हम ठीक है तो यहाँ प्रभु जी इसमें बहुत लोगों को मुझे तो बिल्कुल आती नहीं अंग्रेजी तो जब कहा गया है गीता में में सार रूप दिया हुआ है में तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे हम पिछली कक्षा में वो चर्चा किए एकम देव के पुत्र तो ये जो सब कुछ दिया गया है कैसे एको देवो सबके लिए एक ही भगवान चाहिए एक ही शास्त्र चाहिए एक ही मंत्र एक ही कर्म तो ये सारा जो स्पष्टता है ये गीता महात्म्य में वो हमने गीता से जो सीखना है वो उस गीता महात्मा में दिया हुआ है तो समझा रहे हैं कि वो सार रूप में दिया हुआ है अभी पूरा गीता में आप देखेंगे जी अलग अलग जगह बताते कि कैसे हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना है जाप करना है तो निश्चित रूप से ये भगवान के नाम का जाप करना है तो ये आपको गीता महात्मा में आता है कि हाँ हमें भगवान के नाम का जाप करना है कैसे हमें भगवान के लिए कार्य करना है कर्म करना है तो वो भी ये सारी चीजें वहां पे है तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे गीता का पठन करेंगे सीखेंगे तो हमें इसका भी स्पष्टता आ जाएगा और जब कहा गया है कि ये आस्तिक विज्ञान है तो इसका अर्थ होता है कि ये उन लोगों के लिए है जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं तो जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, दोनों अर्थ से आस्तिक है तो आगे कह रहे इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्या के बिना उसे समझने का प्रयास करें। तो गीता कैसे सीखना है तो जी स्पष्टता दे रहे हैं भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी संवीक्षण करते हुए उसको करना है और किस प्रकार से स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना तो हमें अपना कुछ मतलब उसके लिए लगाना नहीं है यथारूप उसको समझना है और ये गीता का विशेष मानदंड क्या है तो रूपा जी समझा रहे पाठक को गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अभी तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है तो अर्थात गीता में सारे शास्त्रों में जो दिया है वो तो है ही लेकिन साथ साथ जो अन्य कहीं पे नहीं है अर्थात आप में से किसी को पता है कि क्या है जो अन्य जगह पे नहीं है कोई बतलाना चाहेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी टो प्रणाम yes, प्रभु जी प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है इसमें संस्कृत का जो श्लोक है इसको एक एक शब्द को जो है तोड़ तोड़ के हर एक वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है किसी भी भगवत गीता में इस तरह से संस्कृत का श्लोक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है इतना आसान धन्यवाद तो विशेष रूप से जब हम यहाँ गीता का चर्चा कर रहे तो हम अलग अलग जो संकलन है उसका पहले चर्चा किए हम यहाँ पे भगवत गीता में मतलब बाकी अन्य शास्त्रों की तुलना में जब बोला गया है तो भगवत गीता में आपको ये तीन गुणों का जो चर्चा आता है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तो उसको बहुत अच्छे ढंग से गहराई में दिया गया तो इसलिए हम ऐसे जो कुछ चीजें देखेंगे वो भगवत गीता में बहुत विशेष रूप से दी गई है जो बाकी अन्य शास्त्रों में आपको मिलने मिलेगी ऐसा नहीं है और भगवान की जो महत्ता है जैसे चतुर्श्लोक गीता वगैरह वो बहुत अच्छे ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है अभी ये जो अध्याय है जैसे हम ये पहला श्लोक देख रहे हैं तो ये पूरा अध्याय में अलग अलग विभाग है तो पहला जो है परिचय का विभाग जो पहले एक 25 श्लोकों तक है जिसमें हम देखते हैं कि पहले 11 जो श्लोक है युद्ध की तैयारी के बारे में दिए गए हैं 12 से लेके 20 वाले जो श्लोक है वो विजय के लक्षणों की चर्चा है और 21 से 25 श्लोक जो है वो भगवान का कैसे वो एक भक्तवत्सल स्वभाव है उसके बारे में चर्चा है तो ये हम इसका एक चर्चा देखेंगे जो सैन्य निरीक्षण के दृष्टिकोण से और आगे जो है इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन विषाद योग या अर्जुन का जो विषाद है उसके ऊपर हम देखेंगे अर्जुन कैसे कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इस अध्याय में चार कारण दिए गए क्या अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते और अगले अध्याय में जो है दूसरे अध्याय में छठवें श्लोक में पांचवा कारण दिया गया है तो ये जो चार कारण है अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते तो एक तो है कि अर्जुन उनके अंदर दया भाव है दूसरा है कि वो कहते कि मुझे आनंद जो जो है, आ, अर्थात इनको अगर मारा जाएगा मेरे जो सगे संबंधी है तो मुझको अगर ये तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हुआ तो भी मुझे उसमें खुशी प्राप्त नहीं होगी तो इस प्रकार से वो आनंद के बारे में कैसे उसका चर्चा आता है और फिर तीसरा है कि कैसे पापमय कृत्यो का जो प्रतिक्रिया है उसका जो एक डर है उसके आधार पे फिर चर्चा होता है शंकरोनर का तो उसमें जो है कैसे कुल धर्म का नाश होगा वगैरह वो सारे अलग अलग श्लोकों के आधार पे चर्चा होती पापमय कृत्यो का हो गया उसके बाद आगे की इसमें पारिवारिक जो कुल धर्म है उसका चर्चा आएगा और आखिरी में जो है जो अगले अध्याय में वो अः वो किसी निर्णय पे अनिर्णयता या निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे इस प्रकार से ये ऐसे पांच कारण जो है वो आते हैं उसमें से चार कारण यही अध्याय में है तो अभी जो है हम प्रयास करेंगे कि पहले जो 25 श्लोक है उसको हम आज और कल की कक्षा में देखेंगे जितना हो सकेगा और फिर अगली जो कक्षा है उसमें हम आ, आगे के ये जो कारण है जिसमें हम देखते कि अर्जुन को जो दुख होता है उसका जो आ, युद्ध करने के लिए वो अभी तैयार नहीं है तो ये कारणों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे तो इस ढंग से हम इस आ, इसके एक एक चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ पे जो हम बतला रहे कि गीता में जो है वो बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा हो सकता है लेकिन गीता में बाकी जगह का सब कुछ है और और भी है और भी अर्थात ये गीता परिपूर्ण है सब कुछ आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है आगे रूपा जी समझा रहे महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्रता सुजय की वार्ता है इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे तो अभी ये धर्म क्षेत्र रूपा जी यहाँ समझा रहे किस प्रकार से ये जो शब्द है ये सार्थक है किस आधार पे क्योंकि अर्जुन के पक्ष में कौन है भगवान कृष्ण स्वयं है लेकिन अगर देखा जाए तो ये धर्म क्षेत्र जो कहा जाता है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जैसे कुरुक्षेत्र को जब एक तीर्थस्थल या धर्मभूमि कहा गया है तो यहाँ पे बहुत पुराने समय से वैदिक समय से ऋषि मुनि देवी देवता आके यहाँ पे यज्ञ वगैरह करते तो ये बड़ा पावन भूमि है अर्थात यहाँ पे मतलब ये पूजनीय स्थल कह सकते हम जी ने जैसे कहा कि भगवान जो है स्वयं पांडव के पक्ष में यहाँ पे विद्यमान है पांडव जो है ये स्वयं एक बड़े गुणवान या धर्मपरायण लोग है तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है और जब यहाँ पे कहा जाता है कि ये धर्म क्षेत्र है क्योंकि कुरु राजा जो थे वो स्वयं कुरु राजा ने यहाँ पे तपस्या किया था और उनके तपस्या के द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और उस प्रसन्नता से फिर ये जो जगह हो गया इसका नाम कुरुक्षेत्र इस नाम से ये जगह बड़ा प्रसिद्ध हो गया तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बड़ा अच्छे से स्पष्टता है कि ये कुरुक्षेत्र जो है अभी ये केवल ये जानना किस प्रकार से कुरुक्षेत्र ये धर्म क्षेत्र है इसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हो सकता है जैसे जो परशुराम है उन्होंने भी पंचक अर्थात अपने जो पूर्वजों के प्रसन्नता के लिए 21 बार जो क्षत्रियो का विनाश किया था तो वहां पे वो उनको संतुष्ट किया गया था और फिर जब वो उनके साथ जो वार्तालाप होता है तो वो कहते कि अभी आप शांत हो जाओ अर्थात तो उनको परशुराम जी को कहते हैं कि हम आपके ये योगदान से बड़े संतुष्ट अभी आप भी पैसिफाइड आप शांत हो जाइए तो इस प्रकार से अः यहाँ पे और ये बहुत पावन जगह है सामंत पंचक जो कुरुक्षेत्र में है तो कहने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अः ये बहुत अभी हम देख सकते हैं परशुराम जी का जो है ये सारा लीला बहुत पहले हो चुका है तो कुरुक्षेत्र ऐसे नहीं कि ये धर्म युद्ध हुआ तो उसके कारण से प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है और उसका हमने देखा कि इस प्रकार से वहां देवी देवता भी आते थे वहां पे भगवान कृष्ण भी अर्जुन पांडव के बाजू शुद्ध करें हमने ये भी देखा कि कैसे कुरु महाराज या कुरु राजा जो उन्होंने बड़ा योगदान किया था और उसका बहुत बड़ा कथा भी है किस प्रकार से वो अपने अलग-अलग शरीर के आ, अंगों को अर्पण करते हैं और क्या क्या उससे प्राप्त होता है वो बड़ा कहानी है तो यहाँ पे जी इस तात्पर्य में विशेष रूप से समझा रहे हैं। कैसे हमें के साथ भक्तों के मार्गदर्शन में और बिना किसी हेतु के परंपरागत ये गीता को सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए तो गीता कैसे सीखना है वो समझाते हैं और आ, अर्जुन के उदाहरण के द्वारा समझाते कि गीता का स्पष्ट समझ या गीता कैसे जानना चाहिए उसको जानने से क्या होगा तो उसके बारे में व्यक्ति को जो जैसे हैं कि बाकी अन्य शास्त्रों में जो वो सारा गीता में विद्यमान है उपलब्ध है तो व्यक्ति को सारे शास्त्रों का जो सार है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा भगवदगीता के अध्ययन से और गीता का अपना जो एक स्थिति है बहुत विशेषता है तो वो भी प्रभुपा जी इसमें हमें समझा रहे हैं तो इस प्रकार से इस तात्पर्य में बड़ा गहराई दिया गया और जैसे हमने खरपतवार और पौधों का जो है उदाहरण देखा जहाँ पे धर्म पिता भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे धर्म के पोषक जो पौधे उनको रखेंगे और जो अधर्म के पौधे उनको उखाड़ देंगे उसका भी हमने यहाँ चर्चा किया बाकी प्रभुपाद जी यहाँ पे बतला रहे हैं कि किस प्रकार से यह धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनके ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है तो उसका अपना ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता भी है लेकिन ये जो भगवान ऐसे अधर्म के पौधों को उखाड़ देंगे और धर्म के पौधों को उनको उगाएंगे ये यह यहाँ पे बोल रहे यही उसकी सार्थकता है तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें ये सारा चर्चा दिया है अभी हम आगे के जो श्लोक इसमें बहुत सारा वर्णन आता है तो उसको हम देखना शुरू करेंगे आपको कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं अभी सात आठ मिनट है नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे यस yes, प्रभु जी जो आपने बताया कि अर्जुन ने कितना श्लोक बोल रखा है संजय संजय ने इकतालीस श्लोक बोल रखा है तो कृष्ण भगवान ने कितना बोला है भगवान कृष्ण जो है पांच श्लोक बोलते हैं जो अर्जुन जो है वो त्रेयासी श्लोक बोलते हैं संजय के द्वारा इकतालीस श्लोक है और ध्रुतराष्ट्र कितने बोलते है गुजरात एक हाँ एक श्लोक बोलते हैं इस प्रकार से ये पूरा सात सौ श्लोक होता है और कुछ जिज्ञासा है किसी को और ठीक है तो फिर हम अगला श्लोक का चर्चा करेंगे अगर कुछ जिज्ञासा नहीं तो संजय तोय दृष्ट्रूढ़ दुर्योधन सदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत संजय ने कहा हे राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे तो अभी हमने जो अभी तक चर्चा किया किस प्रकार से जो एक वातावरण है यहाँ पे देख पा रहे हम ध्रुतराष्ट्र संजय को कुछ पूछ रहे और अभी संजय उसके प्रत्युत्तर में उत्तर में बता रहे कि क्या परिस्थिति है युद्ध भूमि पे तो बता रहे दुष्टवा तू पांडवा निकम उसने पांडवों की सेना को देखकर और उस सेना को भी किस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से एक व्यूह रचना की गई है उसको किसने देखा दुर्योधन तो दुर्योधन ने जैसे देखा तो वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कुछ उन्होंने शब्द कहे या बोला तो यहाँ पे ये स्पष्टता दिख रही है कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है उसको जो लग रहता कि पांडव लोग बा, बारह साल वनवास और एक साल अज्ञातवास के बाद जो है ये बहुत कमजोर हो गए रहेंगे और उनके पक्ष में ज्यादा कोई लोग नहीं रहेंगे और वो बड़े आ, एक प्रकार से आ, कमजोर पक्ष रहेगा ये उनकी धारणा थी लेकिन देखने को भी यहां मिल रहा है जैसे उसने देखा तो उसको देखने को मिला कि इन्होंने कितनी बड़ी सेना है और क्या जबरदस्त व्यू रचना की है तो ये देखने पे दुर्योधन को थोड़ा हृदय में लगता है कि अरे ये तो बड़ा आ, एक अच्छा इनके साथ युद्ध होने वाला है तो ये देख के फिर वो द्रोणाचार्य जो है उनके पास जाते हैं और उनको बतलाते हैं अभी जैसे हमने पहले श्लोक के बारे में चर्चा करते समय बताया कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा है लेकिन यहाँ पे जो है इस श्लोक में संजय दुर्योधन को राजा बोल रहे तो ये दर्शाता है कि यहाँ राजा ये जो शब्द इसका प्रयोग किया गया है ये कि ये राजनीति में बड़ा माहिर था राजनीति में बड़ा तज्ञ था इस कारण से इसलिए यहाँ पे बल्कि ये युवराज है उसको यहाँ राजा बोल रहे संजय और फिर वचनम अब्रवीत उन्होंने कुछ कहा अभी हम अगर स्पष्टता से जानते हैं युद्ध के समय पे दोनों पक्षों के जो सेनापति थे उसमें पांडव के पक्ष में दृष्ट है और कौरव के पक्ष में जो भीष्म पितामह है वो सेनापति है लेकिन दुर्योधन जो है, के पास नहीं जा रहा है वो तो आचार्य उपसंगम में वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है तो जब ऐसे देखा जा रहा है कि द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और राजा अर्थात ये राजनीति में ये ऐसे राजकारण में बड़ा पटु है बड़ा तज्ञ व्यक्ति है तो अभी ये क्या करने जा रहा है यहाँ पे अभी कुछ राजकारण करने जा रहा है ऐसे ये हमें श्लोक से समझ में आता है तो रूपा जी में कह रहे ध्रुतराष्ट्र जन्म से अंधा था और उनके बारे में बता रहे कि किस प्रकार से वो अंधा होने के कारण दुर्भाग्य वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था अभी यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था तो ये स्पष्टता है कि कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है धर्त उसको कई व्यासदेव के पुत्र है उसको कई सारे अलग अलग जो साधु संत उनसे वार्तालाप हुआ है लेकिन फिर भी कहा गया है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था तो जब ये कहा जा रहा है तो इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि दुर्भाग्यवश अर्थात उसको सब कुछ मिला है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत प्रगति कर सकता था उसके पिताजी उसका जो संग है जैसे विदुर जो है भगवान के शुद्ध भक्त है वो उसके मंत्री है उसके साथ जो है विष्णु पितामह एक महाजन है विदुर भी एक यमराज के रूप में देखेंगे वो भी एक बारह महाजनों में से एक महाजन है तो ऐसे उसके लिए बहुत अनुकूल स्थिति है जो आध्यात्मिक विकास के लिए लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा रहा है तो इसलिए प्रोपाजी जी समझा रहे वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे है और उसे विश्वास था कि वे पांडव के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे तो यह बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया अभी जैसे ये धृतराष्ट्र बड़ा आसक्त है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा है उसी प्रकार उसके पुत्र है लेकिन विरोधाभास देखा जाए तो पांडव जो है ये बड़े पवित्र है और ये हमने देखा जैसे वो देवी देवताओं के पुत्र है तो फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था तो वो संदेह क्या था हो सकता है कि तीर्थस्थान के प्रभाव से युधिष्ठिर तो महाराज और पांडव लोग युद्ध करने के लिए अस्वीकार कर दे और वो जो है अपने राज्य को जो है इनको प्रदान कर दे आ, और पक्ष को वो उनको वैसा सोच था तो अभी यह आगे कह रहे इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे तो धृतराष्ट्र खुद भी इतना जानते हुए कि पांडवों का जो सदाचार है उनके जो महान गुण है धर्मपरायण थे उसके कारण सब लोग उनका सम्मान करते थे सब लोगों के प्रिय थे ये सब पता होने के बाद भी धृत को भी इच्छा नहीं थी कि उसके पुत्र जो है धर्म क्षेत्र में धर्म धर्म के प्रभाव से वो कुछ समझौता करे तो इसलिए फिर संजय आगे उनको बता रहे कैसे दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर तुरंत यहाँ पे का आपने सेनापति लिखा है द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा अतः दुर्योधन पांडव की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया तो अर्थात वो क्यों गया द्रोणाचार्य के पास क्योंकि उसको भय हो गया ये पूरे आ, सेना का जो व्यूह रचना था उसको देख के और बहुत कम समय पे इन्होंने सात सेना को जो है वो इकट्ठा कर लिया था। बल्कि जो है, अलग अलग अः नीति या अलग अलग आ, प्रकार से उसने ग्यारह अक्षोनी सेना इकट्ठा की थी बल्कि वो राजा के बाजू से इतने सारे लोग आ सकते थे लेकिन फिर भी वो ग्यारह अक्षुन तक उनको प्राप्त हुए लेकिन इन्होंने कम समय में सात अक्ष सेना प्राप्त कर ली थी तो इस प्रकार से हम ये दूसरा श्लोक तक चर्चा की अगली कक्षा में तीसरा श्लोक से कल ही जो है हम तीसरा श्लोक से चर्चा करेंगे आपको किसी को इसके बारे में कुछ जिज्ञासा है कुछ पूछना चाहेंगे अगर कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछिए नहीं तो फिर हम अगली कक्षा में आगे का चर्चा करेंगे हरे कृष्ण प्रभु यस धृतराष्ट्र का मामका का क्या महत्व है प्रभु माम कहा का अर्थात यहाँ पे स्पष्टता दिया गया है माम कहा मतलब मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपज़ जी स्पष्टता से दे रहे माम कहा मेरे पक्ष या मेरे पुत्रों का तो आपका सवाल ये है क्या कि माम कहा उन्होंने क्यों बोला इसे क्यों क्योंकि उसका अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति था उसके कारण से वो अपने परिवार में जो पांडु के भी पुत्र है उनको अलग कर रहा है दे दे। दोनों को अलग अलग कर रहा है तो ये यहाँ पे रूपा जी समझा रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ बोलिए माता जी मैं पूछ रहे हूँ कि जो आपने कहा है कि अभी इसमें नहीं जो आपने कहा कि कृष्ण कितनी बार नाम है ये बताना है आपको एक से छह अध्याय तक तो प्रभु जी मैं पूछ रही हूँ गोविंद नाम रहेगा उनका हाँ, रहेगा रहे न हाँ, सारे सारे सब रहेगा ना हाँ, और जैसे कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेगा ना उनका नाम आप जैसे श्लोक में देखना है श्लोक के आधार पे देखना है अच्छा कृष्ण भावना वैसे है तो उसमें भी कृष्ण आ रहा है तो नहीं नहीं वैसे नहीं श्लोक के आधार पे श्लोक जो है ना उसके आधार पे तात्पर्य में, अच्छा में नहीं ढूंढना ठीक है प्रभु हरे कृष्ण को बनाओ यस संजय कितने श्लोक बोले इकतालीस क्या बोलते हैं अर्जुन तेरासी हाँ धृतराष्ट्र yes. भी बोले होंगे ना एक सा, ये एक, सा, एक, बोले एक एक ही बस, ही बोले बोले बस 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 ठीक है प्रभु एक बोलिए अरुण जिसमें धृतराष्ट्र भयभीत किस बात से हो रहे थे प्रभु, प्रभु ना। 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 ना एक बार एक ही बात बोलिए हाँ अरुण मैं तो क्यों बोली आपका ये सवाल है क्या कि धृतराष्ट्र क्यों भयभीत था आपके सवाल का जवाब देता हूँ धृतराष्ट्र इसलिए भयभीत था क्योंकि उसको लग रहा था कि धर्मक्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्र किसी समझौता ना कर ले तो उसको चाहिए था कि अगर युद्ध करेंगे तो क्योंकि हमारे पक्ष से तो हमारी विजय तो निश्चित है उस प्रकार से उनका सोच था समझ रहे प्रोजी नहीं

दिखे। 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 और कुछ किसी को जिज्ञासा है अभी तक जो हमने चर्चा किया उस उसमें स्वतंत्र सिंह प्रो हैंड रेस किया हाँ हो गया था ओके तो था। थीके। ओके ठीक है छोड़ी सेना वालों का ठीक है ओके ठीक है तो ठीक है फिर अभी हम यहाँ विराम देते बहुत बहुत धन्यवाद